आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। ये जो वीडियो है दाम्पत्य जीवन के लिए है, इससे पहले भी जो 61AA वो भी दाम्पत्य जीवन के लिए है, लेकिन और हो सकता है तीसरी एक और बन जाए, वो तो जबकि बात है, तो उसमें फिर इसका नंबर होगा 62BB, अगर वो भी बनती है तो 63CC होगा। लेकिन एक खास बात ये है कि ये सब वीडियो जो वीडियो बन रही है, ये दाम्पत्य जीवन वाली, ये डिपेंड है आपकी 58, 59, 60 नंबर वीडियो से संबंधित। उसमें जो मैंने स्वभाव का चरित्र चित्रण करा, जिसमें खास तौर पे 59B में मैंने व्यक्ति के बच्चों का खुलासा करा। वो बात ये है कि बच्चे बड़े होकर वही स्वभाव तो वही रहना है ना, तो उसमें दो तरह के स्वभाव कैटेगरी विशेष तौर पर बताइए, तो उसी से संबंधित ही पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन, वो स्वभाव का तो प्रभाव पड़ता ही है, तो उसी संबंधित ही आपकी 61AA बनी है, अब ये 62BB बन रही है। यहाँ पर मैं फिर कहना चाहता हूँ कि दाम्पत्य जीवन में एक सबसे बड़ी, मैंने पिछली जो 61AA करके उसमें तो मैंने पहले नंबर वाले स्वभाव का दिया, जिसमें व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला, ब्रिलियंट, ये मैंने बता रखे हैं सारी चीज़ें। लेकिन अब जो हो रहा है, वीडियो आगे चल रही है, ये है, ये 59 में दिए नेचर, उसमें सेकंड नंबर वाला जिसका खुलासा ज़्यादा हुआ है, जैसे कि भी ऐसे व्यक्ति बहुत सज्जन होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, आस्थावान होते हैं, इस तरह करके, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, मतलब भावुक, संवेदनशील, हौसला दिखता रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होता है, इस तरह वाले जो मैंने नेचर बता रखे उसका पूरा पूरा चल रहा है। इस वीडियो में सबसे पहले गौर करने की ये वाली बात है कि पति पत्नी दोनों के लिए, हो सकता है मैं पति के लिए बात कर रहा हूँ तो वही चीज़ पत्नी पर लागू हो रही है, पत्नी के लिए बात कर रहा हूँ तो वही चीज़ पति के लिए लागू हो रही है, बाकी अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई पहले से तैयारी करके नहीं बैठता, बस मुझे तो ये जब भाव उठते हैं तो बस मैं बोलता चलता हूँ, हो सकता है कुछ छूट भी जाए, क्योंकि देखिए ये कोई छोटे से वीडियो में समेटने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन मोटी मोटी, बहुत मेजर मोटी मोटी बातों की बात है उसमें, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा अनुभव है, जो लोग मेरे पास आते हैं उसी आधार पे। यहाँ पर जो व्यक्ति बहुत ही कोमल हृदय के, संवेदनशील और इस तरह के होते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि ऐसे लोग, एक तो अधिकांश लोग ऐसे में जब बहुत कम बोलते हैं, और ज़्यादातर देखिए फिर एक बात पर गौर करें, दाम्पत्य जीवन में भी आमतौर पर ये माना जाता है कि अधिकांश स्त्रियाँ ही प्रभावित होती हैं, क्योंकि स्त्रियों को एक अलग से माना जाता है कोमल स्वभाव वाली, लेकिन अधिकांश, आप इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं कि दो तिहाई से ऊपर तो स्त्रियां प्रभावित होती हैं, लगभग 20-25% पुरुष भी प्रभावित होते हैं, तो इसलिए पुरुषों की गिनती कम, उनसे पुरुषों का कम है, लेकिन फिर भी अब पहले में एक चीज़ ये अपने पुरुषों पर आते हैं, मैंने कहा ना वैसे तो पुरुष नाम ले रहा हूँ लेकिन वो पत्नी भी लागू होता है, जब पुरुष इस तरह वाले स्वभाव का होता है, कोमल हृदय का, संवेदनशील, इमोशनल भाव, उसके साथ सबसे बड़ी, उसके साथ रहने वाली उसकी धर्म पत्नी को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, उसको दिक्कत ये आती है कि वो व्यक्ति जल्दी से कुछ बोलता नहीं, अधिकांश व्यक्ति इसमें कम बोलने वाले होते हैं, 10-20% ऐसे होते जो बोलने चलने वाले होते हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, बाकी ज़्यादातर कम बोलने वाले होते हैं, आप कितना ही अच्छा बना लो, कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही अच्छा पहन लो, अगले ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा वाह, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आप पूछेंगे बार बार, हाँ ठीक है, अच्छी लग रही है, अच्छा है, बढ़िया, सब चीज़ ठीक है, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, नमक कम है, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा बोलेंगे एक साधु स्वभाव टाइप हो जाते, कुछ नहीं है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों की सबसे बड़ी समस्या एक और भी आती है कि ये लोग परिवार के किसी एक सदस्य के साथ गहरा लगाव तो इनका सबसे ही होता है, थोड़ा सा गौर करना, अपने दिल की बात किसी न किसी एक सदस्य के साथ जरूर बताते हैं, शेयर करते हैं, खास तौर पर फीमेल, मतलब ऐसे पुरुष अपने घर की किसी भी स्त्री के साथ अपनी पत्नी के अलावा उससे गहरी बातें जरूर शेयर करेंगे, माँ हो, बहन हो, क्या कहते हैं, भाभी हो, चाची हो, मतलब कहने का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, मतलब घर की जो वहाँ पर उस एक घर की दीवार में रहते हैं उससे जरूर शेयर करेंगे, हो सकता है कि वो अलग घर भी हो जाए बाद में, लेकिन वो जुड़ाव इस ढंग का होता है कि वो शेयर करते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग माँ और बहन से तो विशेष करते हैं, क्योंकि कईयों घर में जरूरी नहीं कि भाभी आ जाओ, खुद ही बड़े होते हैं, तो इसीलिए जहाँ भी इनका मन मिले
ये इनको अपनी बात रखना। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि ऐसी जगह पे दिक्कत ये हो जाती है कि पत्नियों के साथ विशेष शेयर नहीं करना, पत्नियाँ एकदम तड़प के खड़ी जाती हैं, फिर बातों का अफसाना बनता है, फिर कहते हैं हम तो ऐसे नहीं थे जी। इसी प्रकार से वो पत्नियों की बातों को, छोटी छोटी बातों को ये लेके चलते हैं, क्या जवाब देना, क्या करना। अरे भाई क्यों भूलते हो, आपकी पत्नियां चार दीवारी में रहती हैं, चाहे वो सर्विस में हो तो भी स्त्री स्वभाव तो स्त्री का रहेगा। उसके लिए छोटी छोटी बातें, पारिवारिक बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप उसका जवाब हूँ, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक कर लिया, ठीक है वो बोलिए, ऐसे ही मत दो, झिड़को ही मत, सुन लो, प्रॉपर जवाब दो, तब उसको संतुष्टि होती है। आप कोई चीज़ लेके आते हैं, आप कोई बात कर, मतलब कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी आप सलाह लीजिए जी, क्या दिक्कत, अपनी पत्नी को वेटेज दीजिए। यूँ नहीं कि इसको क्या मालूम है, क्या करेगी, क्या बात करनी, कुछ नहीं। उससे क्या रहता है, पत्नी को आत्मसंतुष्टि होती, करना आपके मन की, आप घर के मुखिया हैं, मना नहीं करा। लेकिन अगर छोटी से बड़ी बात पर सलाह ले लो, क्या दिक्कत है। इसी प्रकार से आमतौर पर ये भी रहता है कि जल्दी से पत्नियों को बातें हम लोग नहीं बताते हैं, जो कि बहुत बड़ा गैप है आज के समय में। और पहले के समय में कोई अंतर नहीं, लेकिन आज जरा युग अपने कहते हैं फास्ट है, कल को कुछ भी है तो हमें पत्नी को हमारी बातों का या कई सारी चीज़ों को मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से हम एक और भी चीज़ करते हैं कि एक सबसे बड़ी जीत है घर के अंदर गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पाते हैं, जिसके कारण से अधिकांश पत्नियों का जीना भी हराम हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कोई माँ जो सास का रूप लेती है या कोई भी गलत होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई छोटी मोटी भ्रांति हो जाए तो धीरे से अलग से माँ को, बहन को, भाभी को, किसी को भी प्यार से समझे, परिवार के सदस्य प्यार से एक चीज़ बात रखी जा सकती है, ठीक है। लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते, उस जगह क्या होता है हम पत्नी का भी सामंजस्य नहीं बैठा पाते, हम सही ढंग से माँ के साथ भी सामंजस्य नहीं बैठा पाते, या हमारा झुकाव एक तरफ बढ़ जाता है। पत्नी के साथ बढ़ गया तो माँ बाप पीछे हो गए, माँ बाप के साथ ऑलरेडी पहले रहता है तो पत्नी को वेटेज नहीं मिलती, हम दबते चलते हैं। तो सारी चीज़ें मिलके हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर इतना साहस नहीं होता। मैंने पहले वीडियो में तो बताया वो तो बहुत ज़्यादा साहसी होते, इस वीडियो में साहस ही नहीं होता है। इसी प्रकार से एक पुरुष को बहुत सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। ये ठीक है सास बहू लड़ने के बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो महाभारत बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि हम अपनी माँ की बात को, जितनी बात को उसको अच्छे ढंग से पत्नी को बताएं, पत्नी की बात को अगर माँ बाप तक पहुँचाने भी कुछ ज़रूरी बात, सारी नहीं ज़रूरी तो पहुँचाएं, लेकिन तरीके से पहुँचाएं। और जितनी शेयर आप बात किसी से भी घर के अन्य सदस्य से करते हैं उतनी बात पत्नी से करिए। देखिए कोई पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, आपके घर में भी बहन बेटी उनसे पूछ लो कि वो भी अपने पतियों की अगर रिश्ते करते हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो शादीशुदा बहन बेटी हैं। पत्नियों का भी पता, अच्छा एक और भी चीज़ है पतियों के साथ, जो इस तरह के पति होते बड़े अधिकांश मैंने बताया कम बोलने वाले होते हैं, ज़्यादा किस चीज़ में रुचि नहीं लेते हैं, वो एकांत प्रिय होते हैं, अपने काम के प्रति बड़े निष्ठावान होते हैं, सारी चीज़ ठीक है। लेकिन अब उस जगह क्या होता है, पत्नी का मन घूमने कर रहा है, पत्नी का मन जाने कर रहा है, या और कोई बात हो करो तो उसमें विशेष रुचि नहीं ले पाते, या कोई काम कहेंगे आज की का कल पे परसों पे इस तरह टालते रहेंगे, ये भी एक गहरी समस्या है। यहाँ पर पत्नियों को सबसे ज़्यादा पीड़ित पत्नी हो जाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यही आता है कि इसी तरह पत्नियों का भी स्वभाव होता है, पत्नियाँ क्या करती हैं वो भी इसी तरह ही है, हमेशा कोई ना कोई नुक्ताचीनी किए रखेंगी, हमेशा एक ही चीज़ का रट लगाएंगे, मुझे तो सच बोलना पसंद है, मैं तो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे भाई ना तो आप राजा हरिश्चंद्र, ना मैं राजा हरिश्चंद्र, अरे छोटी मोटी तो चीज़ें चलती हैं। स्त्री को हमेशा बातों को ढकना, पारिवारिक बातों को थोड़ा सा दबाना कहने करते हैं, ये कौशल तो आना चाहिए स्त्रियों को, ये हमेशा नहीं करना चाहिए। आमतौर पर ऐसी स्त्रियों के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है, हर क्यों का जवाब चाहिए, हर बात का स्पष्टीकरण चाहिए, और जब मौका मिले ताल ठोक के बहस में नहीं तो एकदम चुपचाप रहेंगे, ये भी एक बड़ी भारी समस्या है। फिर उसके बाद कोई पॉइंट हो, कोई बात हो, एक बात को पकड़ के तीन बार दोहराना, हो सकता है कुछ मर्दों में भी यही आदत हो, ऐसा नहीं कि खाली स्त्रियों, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ स्त्रियों का एक बात को तीन बार दोहराना, जब तक सामने वाले की आंखों में पानी नहीं आ जाए, चिढ़ नहीं जाए, जब तक पीछे पड़े रहना, करेंगी बात मीठे मीठे ढंग से, लेकिन दो तीन बार रिपीट करोगे पूरे दिन में तो आगरा एकदम से वो हो जाता है ना, पजल सा हो जाता है, फेडअप सा हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर भी गौर करने की जरूरत है। ऐसी स्त्रियों में सबसे बड़ी कमजोरी थी, इतनी भावुक होती, पति आया नहीं, पानी पिलाया नहीं पिलाया, लेकिन अपनी बातें कहने के लिए आतुर होती हैं, वो और आदमी भड़बड़ाए खड़ा हो जाता है।
ऐसा नहीं करना। कई और भी सियानी थोड़ी सी दिमाग लगाती हैं, पानी पिलाएंगे चाय पिलाएंगे फिर सो जाएंगे। अरे भाई जो पर मूड देखो, सारे दिन में बहुत जितना भी टाइम मिला शाम को आए रात को आए आराम से बता देना, अगर नहीं मिला तो अगले दिन बता देना, कोई इमरजेंसी ना हो तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए, हो सकता है वो व्यक्ति खुद परेशान हो गया हो या कुछ उसका थकावट हो शरीर को, वो भी इतनी बातों में दिमाग नहीं लगाना चाहता, जैसा भी उसका स्वभाव है। हम उसके मूड को या स्वभाव को नहीं देखते, हम तो बस पीछे पड़े रहेंगे। आपने जवाब नहीं दिया, मैंने तो क्या ऐसी बात पूछी थी, एक छोटी सी बात रखी थी, हर बात में आप गुस्सा रहते हो, वो ही हो। और सबसे बड़ी स्त्रियों की एक और भी कमजोरी है इस मामले में कि हमेशा हेडमास्टर की तरह कहते जाते ना बच्चों को, टीचर हमेशा वो नुक्ताचीनी गाइड किए रखता है हमेशा, वही ताकीद को गाइड को वही क्या कहते पतियों के साथ करती हैं, तुमने ऐसा नहीं करा, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं करते हो, मेरी सुनते नहीं हो, तुम ये भूलने की आदत, तुम्हारे को क्या कहते हैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रहता, दूसरों का बड़ा ध्यान रहता है। मतलब कुछ न कुछ ताने सुनाए रखना, हमारे रखना, इसी प्रकार से कोई ना कोई कमियाँ निकाले रखना। मेरी भावना आप सभी स्त्रियों से एक ये है कि आप अपने पतियों के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप सोच अच्छी नहीं रखती हैं, अरे भाई आप ही हो गृहलक्ष्मी हो, लेकिन आप सारा काम सुचारू रूप से करती हैं, आप सेवा भावी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन क्या जरूरत है। दो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि घर के अंदर सबको सच का दर्पण दिखाना, बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलना, कोई चीज़ ना पसंद आए तो सबको एक झटके में मुंह फटो के बोल देना, क्या जरूरत है जी। उससे क्या होता है कि आपका अच्छा स्वभाव दे जाता है, सब सोचेंगे आप तो एकदम से तेज तरह स्त्री, जबकि आप होती नहीं है। इसी प्रकार से आपको गुस्सा वैसे नहीं आता है लेकिन खिजलाट में आता है, ये पुरुष में भी ऐसे होता है, स्त्री में भी ऐसे होता है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी एक और मैं जो एक चीज़ बता रहा था इसी के अंदर, स्त्रियाँ एक और भी काम करती हैं, वो क्या करते हैं अगर कोई पति की कोई गलत हरकत देख लेती है तो उसके लिए इतना शोर मचा देंगी, इतनी सब चीज़ें कर देंगी, या कोई बात ऐसी देख ले भाई दी, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि उसने क्या कहते शेयर के अंदर या लॉटरी के अंदर, मेरी भावना यहाँ पे यही है कि लॉटरी के अंदर शेयर के अंदर उसने पैसे डुबो दिए या किसी और चीज़ में कर दिया या किसी गलत पार्टनरशिप में, तो उसके लिए क्या शोर मचाना, उसके लिए क्या वो करना, आराम से तसल्ली से। पति अगर उसको ये बोलो देखो प्यार से समझा, ऐसे पतियों को केवल प्यार से ही समझाया जा सकता है। उनकी अगर घर के किसी डॉगी के बारे में शिकायत तो दूर किया तो शिकवा भी करोगे, गाय परी जोर से रंभा रही है तो चिल्ला रही है तो भी वो उस समय तो कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में उनको फील होता है। तो इसीलिए हर स्त्री पुरुष में कोई कमी भी होती है उसको ढकना चाहिए। देखो माँ का क्या स्वभाव होता है, माँ अपने बच्चों की हर चीज़ ढकती है, समझाती भी ढकती है। स्त्रियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो कहती हूँ बराबर की हकदार हूँ तो मैं समझाऊंगी भी ढकूँ लेकिन समझाऊंगी, समझाना बुरी बात नहीं है, लेकिन लगातार पीछे पड़ना, बार बार बातों को रिपीट करना, उसके अलावा फिर क्या कहते हैं नुक्ताचीनी किए रखना, सच का दर्पण उसको उसके परिवार को दिखाए रखना, इससे दिक्कतें हो जाती हैं। बातों घुमा के बोलना, ये सारी दिक्कतें वाला काम है। आपको भगवान ने रूपवती गुणवती बुद्धिमती बनाया तो आप उसी हिसाब से अपने को प्रयोग करिए, उनको बातों में रिझाइए करिए, कोई बात नहीं। हर व्यक्ति में कोई छोटी मोटी कमी ना, पहले बताएं कोई कमी होती है उसको छोड़ दीजिए, कमी का अर्थ कोई आप एक्सट्रीम लेवल मत सोचिए, अगर हो भी तो भी कोई बात नहीं, उसका भी तरीका है। एक बात और याद है कि शास्त्रों में एक साफ कहा गया स्त्रियों के द्वारा किया गया पूजा पाठ जब महात्म का फल दुगना होता है, क्योंकि स्त्रियाँ स्वभाव से कोमल होती हैं, आप इस बात पर गौर करिए। वैसे भी आप स्त्रियों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आपको परमात्मा ने प्रकृति ने शरीर से और आपको दिल से कोमल बनाया है, आप लोगों को इसीलिए कोमल बनाया कि ताकि आप पुरुषों के कठोर स्वभाव और शरीर को आप सह सकें। कहने करते यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक है, कहने करती ये कि पति आप ये मान के चलिए पुरुष के अंदर एक अहंकार अपना होता है, अब आप उसको दुरुस्त करना चाहेंगे वो नहीं, बल्कि आप उसके एक मीठे स्वभाव से तारीफ करते हुए सब कुछ करते हुए, चाहे हंसे ना हंसे, बोले ना बोले, झिड़क दे, आपका स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे पुरुष इतना ढल जाएगा कि मेरी पत्नी कमाल है, कमियां नहीं निकालते, एक आध और बस समझा दे कि बाकी अपना हंसती रहती है, बोलती रहती है, करती रहती है, सब कुछ है। देखिए दुख सुख समस्याएं किस घर में नहीं है, लेकिन खेल सारा शब्दों का है। हम क्या कहते हैं यही शब्द यही सारी चीज़ दूसरों को तो बड़ा अच्छे ढंग से बताते हैं लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करते हुए दिक्कत हो जाती है। आप चिंता नहीं करिए, केवल एक छोटा सा प्रयास करिए, आप कुछ भी अपने को चेंज मत करिए, पति आपके हैं आपके ही रहेंगे। इसी प्रकार से पतियों से निवेदन है, पत्नी आपकी आपकी रहेंगी, लेकिन खुश करने के तरीके हमेशा आपके पास आने चाहिए शब्दों से। एक शब्द ही ऐसे जो हर एक को खुश रखते हैं, इसलिए ये कोई आपका ऑफिस नहीं है,
जहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये आपका कोई दुकान नहीं है जहाँ पे आप अपने हिसाब चला रहे हैं, ये घर है। घर के अंदर पति पत्नी को बहुत ही उस ढंग से रहना चाहिए, जिस ढंग से क्या कहते हैं, ताकि इसमें अच्छा लगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर किच-किच करने से पति पत्नियों के बच्चों पे प्रभाव बुरा पड़ता है। कई बार पति जब दिल से लगा लेते हैं तो वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गलत कदम उठा लेते हैं, पत्नियां लगा लेती हैं वो भी एक्सट्रीम लेवल लगा लेती है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन बच्चे भी कई लगा लेते हैं, वो अगर एक्सट्रीम लेवल पर ढंग से नहीं जाते तो दूसरे ढंग से चिड़चिड़ हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, सारी चीज़ें जिद्दी हो जाते हैं, मानते हैं, उनको मालूम माँ ने बाप की नहीं मानी, बाप ने माँ की नहीं मानी। सबसे बड़ी बात ये, जब आप गर्भावस्था में रहती हैं तब भी इस चीज़ का गौर करके चलिए, क्योंकि सारा प्रभाव पड़ता है। फिर हम कहते हैं जी बच्चा हमारा जिद्दी हो गया, क्रोधी हो गया, या बहुत गुमसुम रहता है, वो सब उस समय जो आपकी एक्टिविटी थी या आपके सामने जो एक्टिविटी हो रही थी उसका भी प्रभाव, और आपके मनोदशा जो चलती है उसका प्रभाव पड़ता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसके साथ ही मैं इसको पूर्ण विराम देना चाहता हूँ, लेकिन इस चीज़ पर आप गौर करेंगे। और याद रखिए, मैं एक और चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, खास तौर पे स्त्रियों के लिए भी, कि स्त्री वही अपने मनोविज्ञान के हिसाब से, शास्त्रों से स्त्री सबसे बढ़िया वही मानी जाती है जो सुबह अपने पति को माँ की तरह दुलार करे, ठीक है, जैसे उठाते समय प्यार से उठा लिया करे, जैसे भी शब्दों का प्रभाव, वैसे भी जैसा भी है, इसी प्रकार से दिन में बहन की तरह प्यार करे। यहाँ प्यार का अर्थ क्या रहता है कि आप जब क्या कहते हैं भाई दे पति घर पे आता हो, किसी का लंच के हिसाब से होता है या वैसे भी, या कभी घर पर रह छुटे थे, तो जैसे बहन अपने भाई के लिए उड़ीकती है, देखती है, हर तरह की चीज़ें बनाती है मनपसंद, सारी उस चीज़ पे ध्यान दे, इसी प्रकार से रात को पति छान रूप व्यवहार करे। ये जो आपको मैं कहने जा रहा हूँ, इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है, हम स्त्रियाँ सारे घर का काम समुचित रूप से करती हैं, मैं तो यही मान के चलता हूँ, सेवा भावी करती हैं, बच्चों को संभालती है, पति को संभालती है, सब काम जॉइंट फैमिलियाँ करती हैं, कोई भी स्त्री ऐसा जो नहीं करती हो। लेकिन एक चीज़ आपने गौर करी कभी कि हम सारा काम यंत्रवत कर रहे हैं, लगभग स्त्रियाँ, पुरानी को छोड़ दीजिए, मैं नई की बात कर रहा हूँ, सब रॉबोट की तरह कर रहे हैं जी, हमें काम करना है, रोटी पकानी है, कपड़े धोने हैं, या जो भी हमें सब चीज़ सुविधा करती टाइम पे वो भी। लेकिन इसमें एक सबसे भारी फर्क आ गया कि हम अपने पतियों के लिए वो सब का कॉलम हम खाली छोड़ देते हैं, जहाँ पर हमें उन्हें कुछ एक प्रेरक बन के उनके सामने रहना, या उनको क्या कहते हैं कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, उनको इस ढंग से करना ताकि वो हमारे से खुश रहें। अगर किसी पति को आपका श्रृंगार पसंद है, या हल्का फुल्का पसंद है, कॉस्मेटिक या जो भी कुछ समझ लीजिए, आप भगवान की दया संपन्न, सब कुछ ठीक है, तो आपको उनके अनुरूप रहना चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलता ना जी, ना क्या फ़ायदा इस चीज़ के अंदर, मैं तो आपकी हुई हूँ, घर में हूँ, सारे दिन सजे धजने का, अरे भाई उसको इच्छा है, उसको अच्छा लगता है, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत सारे मर्दों को खाने का बहुत शौक होता है, वैरायटी खाने का, मतलब पेटू तो अलग चीज़ होती है, वैरायटी का आपको बनाने में क्या दिक्कत है, आप बना लीजिए, सीख लीजिए, बाजार से मंगवा के रख लीजिए, लेकिन कोशिश करिए खुद के बनाइए, उसमें आपका एक स्नेह अलग से झलकेगा। उसको जैसा पसंद है वैसा करने में क्या दिक्कत है। एक स्त्री के पास लगभग टाइम नहीं रहता, एक तो आजकल जो सर्विस करती है उनका वैसे ही नहीं रहता, लेकिन जो हाउसवाइफ है उनके पास भी रहता है, अगर वो बच्चों का पतियों का ही अगर ध्यान देना शुरू कर दे, क्या पसंद है क्या नहीं, खुद बनाना शुरू करे, खुद करना, चाहे खाना चाहे कोई भी चीज़ हो। खैर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक और भी आती है, हम कुछ देर बैठ के हम कुछ धर्म की चर्चा, समाज की चर्चा, या हम कुछ ऐसी कुछ अच्छी बातें या कुछ किताबें अच्छी पढ़ते हैं उसकी चर्चा हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता, इसीलिए हम बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते उस ढंग से, खाली बस पढ़ने पर दिमाग लगाते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का गौर करना चाहिए, आपको सबसे पहले अपने पति पे विश्वास करना चाहिए। अगर आपका पति में कोई विशेष ऐप बोल के नहीं, देखिए मेरी बात पे ध्यान देना, क्योंकि वीडियो के अंदर हर चीज़ का खुलासा नहीं होगा, ये कोई संविधान नहीं जिसमें एक एक अनुच्छेद का खुलासा हो, इसमें तो इतना ही है कि एक आम पति अगर आप थोड़ा बहुत वो वाइन ले रहा है या कहते हैं सिगरेट पीता, उससे क्या फ़र्क पड़ना, उन चीज़ों को मत काउंट करिए। अभी ठीक है ऑफिस में क्लब में जा रहा है या जो भी, उससे कोई फर्क नहीं, मेन चीज़ ये है कि वो परिवार के लिए सजग है, परिवार के लिए अच्छा कर रहा है, परिवार की बढ़ोतरी के लिए कर रहा है, वो दिन रात लगा हुआ है उस काम के अंदर कि मैं लोगों को कैसे अपना बना के अपने परिवार को बढ़ाऊँ, इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ, क्या जरूरत है उससे काम में दिमाग लगाने की, आपको क्या जरूरत है उसके अंदर बीच में बोलने की,
कि उनका ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, आप क्यों इतना वो कर रहे हो, क्यों कैसे करो। याद रखिए आमतौर पर मर्दों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, इसलिए मत लगाइए दिमाग। अगर उनको कोई तकलीफ समस्या, भगवान का जाप पाठ और बढ़ा दीजिए, चलते फिरते भी जाप और बढ़ा दीजिए, इन चीज़ों पर गौर करिए। हम लोग क्या करते हैं उनके में दिमाग लगा बैठते हैं, हम ये कहते हैं कि हम क्या कहते हैं उनकी वेलविशर हैं, इसलिए हम उनको बार बार गाइड करते रहते हैं। मत करिए इतना, जो समझदार पति है उनको तो मत करिए, और ऐसे वालों को जब आप करेंगे तो दब जाते हैं, इस चीज़ पर भी गौर कर लीजिए आप। ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये उस संदर्भ में जहाँ पे पति अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, मतलब अपना काम चल रहा है, सब तरह से इज्जत आपकी बनी हुई है, और कोई विशेष कोई मोटी ऐसी कोई ऐप नहीं है कि हाँ भी घर ही छोड़ के जा रहा है या और कुछ कर रहा है या और किसी के पास, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक नॉर्मल वे में तो उस ढंग से वाली बातें चल रही हैं। अब मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग इन बातों को गौर करके और अपना भविष्य सुखमय बनाएंगे, परिवार में सबका ध्यान देंगे। इसमें जो बातें अगर आपको लगती खाली मेरे लिए बोली है स्त्रियों के लिए, तो उसको आप पुरुष से भी संबंधित मानिए, पुरुष के लिए बोली उसको स्त्रियों संबंधित मानिए। इसके साथ ही नमस्कार, मंगल हो।